नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा नवनिर्वाचित विधायक सवाई माधोपुर से मंदिर पहुंचकर अपनी कुलदेवी वंशा माता की विविध रूप से पूजा अर्चना करके मन्नत मांगी। इसके बाद भैरव बाबा के प्रसाद चढ़ाया। इस अवसर पर वंशा माता निर्माण समिति के अध्यक्ष गोकुल राम मीणा के नेतृत्व में कैलाश मीणा, मुकेश मीणा और सुखराम मीणा आदि लोगों ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का फूल माला से स्वागत किया। शनिवार शाम करीब 7 बजे दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचकर वहां उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन करके प्रदेश में खुशहाली की कामना की। दर्शन के दौरान विधायक मीणा को मंदिर के पुजारियों ने बालाजी महाराज का टीका लगाकर उनकी अगवानी की। साथ ही ट्रस्ट सचिव एम के माथुर ने उन्हें बालाजी महाराज के मोदक प्रसादी भेंट की। दर्शन के बाद विधायक डॉक्टर किरोड़ी मीणा मीडिया से रूबरू हुए। कल दिल्ली से निकले, सीधे गांव पहुंचे, माता पिता का जो कुछ अर्पित किए आपने, फिर मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, आज सुबह सुबह नीलकंठ महाराज के यहाँ पहुंच गए हैं और दूसरी तरफ विधायक परिषद की मीटिंग होने वाली तो होगी ही, उसको तभी तय होगा शासन कैसे चलना है, मुखिया तय होगा। और कल मैं दिल्ली से चला था, पहले गोवर्धन जी महाराज, फिर मेरे गांव बालाजी महाराज और यहाँ नीलकंठ। इन स्थानों पर मैं आमतौर पर आता रहता हूँ, इसलिए कोई नई बात नहीं है। बालाजी महाराज भी एक सिद्ध पीठ है, गोवर्धन जी को सब मानते हैं और नीलकंठ हमारा बड़ा श्रद्धा का केंद्र है। तो मैं इधर से निकल रहा था, मैं दर्शन कर लें, क्योंकि मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ, सनातनी हूँ, हिंदू हूँ। चुनाव का शोर तो खत्म हो गया, लेकिन सीएम की जो रेस है वो लगातार सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या किस तरीके से देखिए? हमारे पार्टी में रेस नाम जैसी कोई चीज नहीं है। कोई केंद्रीय नेतृत्व विशेषकर मोदी जी कोई सिफारिश से कोई दबाव में मुख्यमंत्री बनाए, ऐसा नहीं है। वो तय करेंगे विधायक की भावना को देखते हुए। और मेरी समझ में अगले लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उनमें फायदा मिले, प्लस जो राजस्थान बीमारू प्रदेश बन गया है, ये रवड़िया बांट बांट के जो बदहाल स्थिति राजस्थान की आर्थिक दृष्टि से हुई है, कानून की स्थिति बिगड़ी है, भ्रष्टाचार चरम पर था और उसमें जो मगरमच्छ थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो सुशासन देना हमारा काम होगा। जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे उनकी अगुवाई में हम वैसे ही काम करेंगे जैसे मोदी जी की अगुवाई में भारत सरकार के मंत्री काम करते हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि बालाजी मंदिर मेरे गृह जिले में आता है, इसलिए मैं यहां दर्शन करने के लिए आता रहता हूं। मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिस पर बालाजी महाराज की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा होगी, प्रदेश का मुख्यमंत्री वही होगा। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ, मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।